सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैं विपक्ष के अपने साथियों की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपने से संबंधित विषय पर चर्चा को रोकने के लिए, प्रियम्प्ट या स्कटल करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं, बल्कि मैं अपनी ओर से इस विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष जी, पिछले लगभग 2 माह से मीडिया के माध्यम से मेरे खिलाफ अपप्रचार चल रहा है, लेकिन मैं शांति से बैठकर संसद के मानसून सत्र की प्रतीक्षा करती रही कि संसद का सत्र शुरू होगा, इस विषय पर चर्चा होगी और मैं हर प्रश्न का विस्तार से उत्तर दूंगी। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, मैंने दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को भी सूचित किया, सदन में खड़े होकर भी कहा कि मैं इस पर चर्चा करवाना चाहती हूं और आज ही तैयार हूं, तुरंत तैयार हूं। लेकिन अध्यक्ष जी, 2 सप्ताह बीत गए और 3रा सप्ताह कल बीत जाएगा। मैं दोनों सदनों में बारी बारी से बैठती रही कि शायद आज चर्चा हो जाए, लेकिन चर्चा होना तो दूर, चर्चा के कोई आसार भी मुझे नजर नहीं आ रहे। सत्र समाप्त हो जाए अध्यक्ष जी और आरोप अनुत्तरित रह जाएं, मुझे अपनी स्थिति, अपना पक्ष रखने का भी मौका ना मिले, ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए आज मैंने आपसे ये प्रार्थना की कि मुझे कुछ कहने के लिए आप अनुमति दें। लेकिन तो भी मैं पुनः कह रही हूं, अभी 1 सप्ताह बाकी है, अगले सप्ताह सांसदों का निलंबन भी समाप्त हो जाएगा, उनकी सहयोगी पार्टियों का बहिष्कार भी समाप्त हो जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश करिए कि कम से कम अगले सप्ताह इस विषय पर चर्चा जरूर हो जाए, ताकि जो प्रश्न मीडिया में उछाले जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिख लिख कर मुझसे पूछे जा रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं इस सदन में खड़े होकर के विस्तार से दे सकूं। जहां तक आज का सवाल है, जब मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल देखती हूं तो मुझे रामचरितमानस का एक दोहा याद आता है। आप मानस पर बहुत अधिकार वाणी से बोलती हैं। आपको मालूम है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा जिसकी दूसरी पंक्ति है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। मुझे लगता है कि नफा नुकसान, जीना मरना, नेकनामी और बदनामी जो ग्रहों ने अपने हाथ में रखी हुई है, जरूर मेरा कोई अपयश का ग्रह चल रहा होगा। तभी तो मेरे वो साथी जो मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना आदर करते हैं, वो आज मेरी इतनी तीखी आलोचना कर रहे हैं, यहां तक कि मेरा इस्तीफा मांग रहे। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि ग्रह बहुत जल्दी टलेगा और मेरे साथियों का सद्भाव वापस लौटेगा। अध्यक्ष जी, मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया या सिफारिश की। मैं सदन के ऊपर खड़े होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूं कि ये आरोप सिरे से गलत है, असत्य है, निराधार है। अध्यक्ष जी, मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का अनुरोध नहीं किया। मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने की सिफारिश नहीं की। मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, कभी रिकमेंडेशन नहीं की। आपको मालूम है, अनुरोध और सिफारिश पत्रों की एक भाषा तय होती है। जब हम किसी से अनुरोध करते हैं तो हम कहते हैं ये काम कर दीजिए, जब हम सिफारिश करते हैं तो हम कहते हैं हमारी राय में ये काम कर देना चाहिए। अगर मैं अनुरोध करती तो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहती काइंडली गिव ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स टू ललित मोदी। अगर मैं सिफारिश करती तो मैं लिखती आई रिकमेंड दैट ट्रेवल डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन टू ललित मोदी। मैं आज यहां चुनौती देकर कहती हूं कि एक कागज, एक पर्ची,
एक पुर्जा, एक चिट्ठी, एक ईमेल मेरे पर आरोप लगाने वाले यहाँ प्रस्तुत कर दें जिसमें मैंने ऐसा कोई भी वाक्य लिखा हो कि ललित मोदी को आप ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए या आपको दे देने चाहिए। लेकिन मैं पेश कर सकती हूँ एक कागज जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, ये कतरन है इकोनॉमिक टाइम्स की। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने ब्रिटेन के होम ऑफिस को लिखा, यानी ब्रिटेन के गृह मंत्रालय को लिखा और उनसे पूछा कि आपने ललित मोदी को दस्तावेज किस आधार पर दिए। उनके गृह मंत्रालय ने इकोनॉमिक टाइम्स को जवाब दिया और कहा, द यूके होम डिपार्टमेंट ऑन मंडे क्लेम्ड द ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टू फॉर्मर आईपीएल बॉस ललित मोदी टू ट्रेवल टू पोर्टुगल टू असिस्ट हिज एलिंग वाइफ ऑन कोर्ट was determined in accordance with the appropriate rules। ये मेरे द्वारा लिखा गया जवाब नहीं है, मेरे द्वारा पूछा गया प्रश्न भी नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से पूछा और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने ईमेल के माध्यम से उनको जवाब दिया। मैं आभारी हूं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की कि उन्होंने ये जानकारी अपने तक नहीं रखी बल्कि पाठकों के साथ शेयर की, अपने पाठकों को उन्होंने ये पढ़वाया। अध्यक्ष जी, अगर मैंने अनुरोध किया होता, अगर मैंने रिकमेंडेशन की होती तो होम ऑफिस ये लिखता कि हमने ललित मोदी को ये यात्रा दस्तावेज भारत की विदेश मंत्री की रिक्वेस्ट पर दिए थे या हमने ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स भारत की विदेश मंत्री की रिकमेंडेशन पर दिए थे। उन्होंने जवाब दिया कि हमने उन्हें अपने नियमों के तहत दिए थे। मेरा आज ये कहना है कि इस जवाब के बाद ये मुद्दा समाप्त हो जाना चाहिए था क्योंकि ये नॉन इश्यू बन गया, लेकिन इसके बाद भी ये मुद्दा जिंदा रखा गया और मुझसे सवाल किए गए, आपने ऐसे क्यों किया, आपने वैसे क्यों किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, कैसे किया और क्यों किया से पहले ये तो बता दो क्या किया, क्या किया। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्या मैंने ललित मोदी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाया? नहीं। क्या मैंने ललित मोदी को भारत से भगाया? नहीं। क्या मैंने ललित मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवाया? नहीं। क्या मैंने ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलवाने का अनुरोध किया? नहीं। तो मैंने किया क्या? अध्यक्ष जी, मैंने पूरी तरह से यह निर्णय ब्रिटिश सरकार पर छोड़ा। मैंने जो एक मौखिक संदेश उन्हें भिजवाया उसका पहला वाक्य यह है, इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट chooses to give travel documents to Lalit Modi, that will not spoil our bilateral relations. मैंने निर्णय ब्रिटिश सरकार पर छोड़ा, if the British government chooses to give travel documents, यानी यदि ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का निर्णय करती है तो निर्णय उनका है, मैंने निर्णय में कोई भूमिका नहीं रखी। और वो निर्णय दोनों तरह का कर सकते थे, वो ना देने का भी कर सकते थे। अगर वो ना देने का निर्णय करते तो मेरे संदेश का असर ही समाप्त हो जाता, वो निरर्थक हो जाता। लेकिन उन्होंने निर्णय देने का किया, पर मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जांच करने के बाद अगर यात्रा दस्तावेज देने का निर्णय करते हो तो मेरे संदेश का तो असर उनके निर्णय के बाद शुरू होता है। ना निर्णय करवाने में मेरी कोई भूमिका है, ना निर्णय करने में मेरी कोई भूमिका है। और ये संदेश मैंने जो भेजा वो शुद्ध मानवीय आधार पर भेजा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भेजा। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या था मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ। ललित मोदी की पत्नी पिछले 17 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है, 10वीं बार उसका कैंसर उभरा था, 10वीं बार। वो पुर्तगाल के एक क्लिनिकल सेंटर जो रिसर्च सेंटर है उसमें इलाज करवा रही थी। वहां उसका असेसमेंट करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इस बार का आपका कैंसर लाइफ थ्रेटनिंग है, जीवन घातक है, लेकिन जो इलाज हम करने जाएंगे वो इलाज बहुत खतरों से भरा हुआ है, यानी उस इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी हो सकती थी और उसकी दोनों किडनीज भी डैमेज हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग है, आपका इलाज खतरों से भरा है, इसलिए हमें आप अपने पति के साथ उस दिन यहां चाहिए। और 4 अगस्त की तारीख तय थी। अध्यक्ष जी,
ललित मोदी की पत्नी ने जो विटनेस स्टेटमेंट ब्रिटेन के होम ऑफिस में दिया और डायरेक्टर का जो पत्र उसके साथ लगाया, उसके एक एक पैराग्राफ्स में आपको पढ़ के सुनाती हूं। ये वो विटनेस स्टेटमेंट है, पूरी की पूरी काफी बड़ी है, लेकिन मैं इसके केवल आखिरी पैराग्राफ का चार लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। वो कहती है, माई मेडिकल कंडीशन हैज अफेक्टेड माई फैमिली हैवीली एंड वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर, इन पर्टिकुलर आई नीड देयर सपोर्ट एंड ललित सपोर्ट मोस्ट ऑफ ऑल। ललित एंड आई हैव बीन मैरिड फॉर वेल ओवर 20 ईयर्स एंड हैव स्टूड बाई ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। आई नीड हिम नाउ मोर देन एवर। ये लास्ट वर्ड, आई नीड हिम नाउ मोर देन एवर। और ये वहां के डायरेक्टर जिनका नाम है डॉक्टर कार्लो ग्रेको, ये जो फाउंडेशन है, रिसर्च फाउंडेशन जहां उसका इलाज चल रहा है, उन्होंने लिखा है, मिसेस मोदीज असेसमेंट वॉज परफॉर्म्ड ऑन जुलाई 14th 2014। अनफॉर्चुनेटली देर इज एविडेंस ऑफ डिजीज विच इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। वी विल नीड टू थॉरोली असेस द रिस्क बेनिफिट रेशियो ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन विद द पेशेंट एंड हर नेक्स्ट ऑफ किन बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज मेड। A therapeutic procedure has been already scheduled for August 4th at CCU, Lisbon, Portugal. The presence of Mrs. Modi and her husband will be required before this date. The presence of Mrs. Modi and her husband will be required before this date. अध्यक्ष जी, यही दो कारण थे जो कागज पढ़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको यात्रा दस्तावेज देने का निर्णय किया। मेरे सामने केवल एक प्रश्न था कि क्या मैं ये कह दूं कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको यात्रा दस्तावेज जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ये यात्रा दस्तावेज देंगे तो आपके और भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? मैं कहती हूं, अगर मेरी जगह कोई नहीं सोनिया जी होती तो क्या करती? मरने के लिए छोड़ देती? ये इतना बड़ा मानवीय संवेदना का केस है जहां ललित मोदी की मदद नहीं हुई, मदद उस पत्नी की हुई जो भारतीय नागरिक है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस देश या विदेश में नहीं चल रहा है, जो 17 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है, जिसका कैंसर 10वीं बार उभरा है, जो एक जीवन घातक बीमारी झेल रही है और जो इलाज कराने जा रही है वो इलाज खतरों से भरा है, इसलिए वो ये चाहती है कि उसका पति उस दिन अस्पताल में मौजूद हो, उसे भावनात्मक संबल देने के लिए भी और ये निर्णय करने के लिए भी कि एक ट्रीटमेंट आगे किया जाए या ना किया जाए। अध्यक्ष जी, इस चीज को सामने रखकर मैंने ये कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार निर्णय करती है उसको यात्रा दस्तावेज देने का, तो हम दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं होंगे। और मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि इस तरह की महिला की मदद करना यदि गुनाह है, तो मैं कहना चाहती हूं कि यह गुनाह मैंने किया है और अध्यक्ष जी, आपको साक्षी मानकर इस सदन में खड़े होकर पूरे राष्ट्र के सामने मैं अपना यह गुनाह कबूल करती हूं और यह सदन इसके लिए मुझे जो सजा देना चाहे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं।